अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेजर टेबल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी जो मैं बना रही हूँ उसका नाम है कुंग पाओ चिली पोटैटोस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने एक पॉट में मैंने पोटैटोस को बॉईल कर लिया है, हाफ बॉईल किया है इसको। और मैं यहाँ पर अभी ऑयल ड्रिजल करूँगी पैन में। मैंने अपने पैन को हीट किया हुआ है, हीट करने के बाद मैंने इसमें ऑयल ड्रिजल किया है। और ये जो पोटैटोस हैं आपको उसमें डालना है, और उसके बाद उसको जब तक कि पोटैटोस इवनली फ्राई नहीं हो जाए हर तरफ से, तब तक आप उसको फ्राई करना है। तब तक लाइक आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इसमें आना चाहिए। वैसे तो एक रेसिपी होती है चाइनीज़ खाना, दूसरा होता है देसी चाइनीज़ खाना। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो है देसी चाइनीज़ खाना, बड़े प्यार से अपनी फैमिली के लिए। अब देखिए, जो पोटैटोस का जो कलर है मेरा ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने यहाँ पर टू हिस्से किए थे इसके, मैंने एक हिस्सा फ्राई कर लिया है, दूसरा हिस्सा भी मैं फ्राई करके अलग कर लूँगी इसको। ये रेसिपी जो है ना, जो चाइनीज़ जिसको पसंद है, स्पेशली चाइनीज़ फूड पसंद करते उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू, आई जस्ट लव चाइनीज़ फूड्स। अब मैंने यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड किया है, एंड देन आई हैव एडेड माय चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक, एंड आई विल बी एडिंग दिस रेड चिलीज टू, एंड देन आई विल गिव अ मिक्स। इसे आप ऐसे ही सॉटे करिए, और जो फ्लेम है उसको लो ही रखना है आपको। अब यहाँ पर मैंने जो मैंने डाइस किए हुए कैप्सिकम रखे थे वो मैंने ऐड किया है, वाइट ऑनियंस जो मैंने चॉप किए थे वो ऐड किए हैं इसमें, और इसमें अभी मैं थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस भी डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, मैं पूरा नहीं डालूँगी, बाकी का जो है वो गार्निशिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। एंड देन आपको उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स देना है। एक्चुअली ये भी ट्रेंड चल रहा है कुंग पाओ पोटैटोस का, तो इसीलिए मैंने भी बोला चलो मैं भी एक ट्राई दे देती हूँ इसके लिए। और ये आई स्वेयर ये इतना टेस्टी बना था कि हमारे घर में यानी सबको बहुत पसंद आया था ये रेसिपी। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत पसंद आएगा। अभी आपको यहाँ पर शुगर ऐड करना है, एंड देन इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पर इसको जब मेरा शुगर जो है डिसॉल्व हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें पेपर ऐड किया है, और इसके बाद इसको मैंने दोबारा से अच्छे से मिक्स किया है। आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस बनाना है बीच में, ताकि आप अपने जो सॉसेज हैं वो उसको मिडल में आप डाल सको, उसके बाद फिर हम उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले रेड चिली सॉस लिया है, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस। और उसके बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, सॉस उसके साथ में सारा कुछ आपको अच्छे से मिक्स करना है।
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आई एम टेलिंग यू, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया है और उसके बाद में मैंने इसे आज बनाया आप लोग के सामने। और इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड किया है। ये देखिए कितना जूसी सा है, देखिए इसका जो टेक्सचर है, ग्रीन रेड, क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने अभी यहाँ पर जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना रह सके आपको, यानी अच्छे से इसको मिक्स देना है। अगर इसमें लम्स रह जाएंगे तो फिर वो आपकी चिली में आकर फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करें। और ये जो मिक्सचर है मेरा भी रेडी हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने पैन में। मैंने इसको डालकर इसको थोड़ा सा पकाया है, हल्का सा मैंने इसको पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया, मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया इसको, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा कुक करोगे तो वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। मैंने इसको जो है सेमी ग्रेवी टाइप मैंने इसको बनाया है। अगर आप चाहते हो एकदम ड्राई करना है तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा पका कर फिर आप अपने पोटैटोज़ को ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा तिल का जो तिल सीड्स जो होते हैं, सेसमी सीड्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरा जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल किया है एंड मैंने इसमें सेसमी सीड्स भी स्प्रिंकल किया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।